वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोजोन हिक्स। आज हम फिर से करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पे न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस F1 इक्वल टू F0 कॉस ओमेगा टी एक्स कैप एंड F2 F0 साइन ओमेगा टी वाई कैप। द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, दो फोर्सेज हैं F0 कॉस ओमेगा टी एक्स कैप एंड साइन ओमेगा टी वाई कैप। एक्स और वाई एक्सिस पे हैं ओमेगा टी और कॉस ओमेगा। जब ये साइन है और दूसरा कॉस है तो दोनों परपेंडिकुलर फोर्सेज हैं। दिस इज अ F1 फोर्स एंड दिस इज अ F2 फोर्स। तो जब दो परपेंडिकुलर फोर्स किसी एक पार्टिकल पर लगते हैं तो उस पार्टिकल की ट्रैजेक्ट्री क्या होती है, सर्कुलर ट्रैजेक्ट्री होती है। ठीक है, तो पाथ विल बी इन सर्कुलर पाथ। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है दोनों फोर्सेस। देखिए कैसे F0 cos ओमेगा टी है एट ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे F1 की वैल्यू क्या होगी, F0 होगी, क्योंकि cos ओमेगा टी जीरो इक्वल टू वन। एंड F2 की वैल्यू क्या होगी, F0 साइन जीरो इक्वल टू क्या होगा, साइन जीरो इज जीरो तो दिस विल बी जीरो। ओके, तो ये परपेंडिकुलर फोर्सेस हुए। ओके, तो नेक्स्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ पोटेंशियल फील्ड इन विच पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट x इज गिवेन बाय ux इक्वल टू 5x² - 1/x। द इक्विलिब्रियम पोजिशन विल बी एट x इक्वल टू, इक्विलिब्रियम पोजिशन हमें पता करनी है x की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देंगे, क्योंकि फोर्स क्या होता है F इक्वल टू होता है -du/dx। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होती है, जब हमारा फोर्स जीरो होता है। हमें पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल से हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया, और हमें पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, फोर्स इक्वल टू जीरो होता है। तो du/dx इक्वल टू जीरो रख देंगे तो जो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वही उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशंस होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, du/dx करते हैं। तो हमारे पास x है, 5/x² है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -10/x³ एंड दिस विल बी +1/x² इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं, x³ दिस विल बी -10 एंड दिस विल बी +x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10 एंड दिस विल बी द इक्विलिब्रियम पोजिशन फॉर दिस पोटेंशियल। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ठीक है, समझ में आ गया, F इक्वल टू माइनस का du/dx होता है और फॉर इक्विलिब्रियम पोजिशन फोर्स क्या होता है, जीरो। इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या होती है, अगर ये पोटेंशियल है और ये x एक्सिस है, तो अगर हमारा पोटेंशियल का कर्व कोई ये है तो ये पोजिशंस क्या होंगी, इक्विलिब्रियम पोजिशन होंगी। ये क्या होगी, स्टेबल, और ये अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, दीज टू पॉइंट्स आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। नेक्स्ट, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी कपल्ड बाई अ स्प्रिंग आर रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल एज शोन इन फिगर। बाई स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग द ब्लॉक्स आर पुल्ड अपार्ट एंड रिलीज्ड। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू ब्लॉक्स K/kb। काइनेटिक एनर्जी का हमें रेशियो निकालना है K/kb पे। कोई टेबल है, उस पर दो ब्लॉक हैं ए एंड सेकेंड ब्लॉक इज बी, उनके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है और वो एक दूसरे को खींचते हैं और छोड़ देते हैं, तो उनके बीच की एनर्जी जो है उनका रेशियो हमें पता लगाना है। तो सीधा सीधा है, पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv². तो फॉर मास ए के लिए ma v² वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि दोनों सेम स्प्रिंग से अटैच्ड हैं। ओके, एंड सेकेंड इज kb, 1/2 mv² इसको डिवाइड कर देते हैं
तो के ए अपॉन के बी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए अपॉन एम बी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ चेन इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विद 1/3 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज। इफ द चेन हैज अ लेंथ एल एंड मास एम, देन द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। इसने बोला है किसी टेबल पे एक चेन है जिसकी लेंथ है, टोटल लेंथ इज कैपिटल एल और मास है कैपिटल एम, लेकिन जो लटकी हुई लेंथ है वो है एल बाई थ्री, और इस लटके हुई चेन को हमें ऊपर को खींचना है, तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो उसके पहले ये क्वेश्चंस में हमारा जो मास है वो कैसे चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, क्योंकि पहले एल बाई थ्री लटका हुआ है तो कुछ मास होगा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो इसकी लेंथ कम हो रही है, तो लेंथ कम होगी तो मास भी कम होगा, तो ये वेरिएबल में है। तो वेरिएबल ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशंस के थ्रू। ओके तो इंटीग्रेशन के लिए हमें पहले मास डेंसिटी निकालना पड़ेगा। मास डेंसिटी क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी अगर हम लैम्डा मान लें तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल एम बाई क्या होगा एल, ठीक है, ये क्या है लीनियर मास डेंसिटी है, ये लीनियर मास डेंसिटी हो गई लैम्डा। लैम्डा का लीनियर मास डेंसिटी हम ले लेते हैं, तो उसके लिए अगर हम वेट अब देखें तो वेट डब्ल्यू इक्वल टू, ये वेट इक्वल टू लिखते हैं बस इसे, वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एम जी होता है वेट, तो वेट एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल स्मॉल मास के लिए, सपोज एक्स डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एक्स इंटू जी, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा हमारा क्या हो गया मास डेंसिटी हो गया, स्मॉल एलिमेंट के लिए एक्स स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर हमने वेट देखना है तो लैम्डा इंटू दिस एक्स इंटू जी, तो हमें क्या बता देगा ये मास, वो वेट बता देगा, मतलब कि जितना फोर्स वो नीचे की तरफ लग रहा है उस चेन की वजह से। ओके तो लैम्डा एक्स इंटू जी ये हमारा वेट हो गया। अगर हमें वर्क देखना है, डी डब्ल्यू अगर हमें देखना है कि कितना वर्क हो रहा है उसको डी एक्स डिस्टेंस ऊपर खींचने में, तो कितना होगा, क्या वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास माइनस लैम्डा एक्स जी और स्मॉल एलिमेंट डी एक्स। ओके तो टोटल वर्क, दिस इज अ वर्क फॉर स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, डी एक्स के लिए हमें वर्क कहां से कहां तक निकालना है, टोटल वर्क डी डब्ल्यू हमें निकालना है एल बाई थ्री से जीरो तक, क्योंकि पूरी की पूरी चैन हमें ऊपर खींचनी है, तो ये लेंथ एल बाई थ्री है, धीरे धीरे अगर हम पूरी लेंथ को ऊपर खींच लें तो कितना लेंथ बचेगा, जीरो लेंथ बचेगा ना, मतलब मास तो कुछ रहेगा ही नहीं ना, तो इसीलिए एल बाई थ्री से जीरो तक हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो माइनस लैम्डा एक्स जी डी एक्स, माइनस का लैम्डा जी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट्स एल बाई थ्री टू जीरो, और माइनस लैम्डा सॉरी अगर माइनस हटाते तो एल बाई थ्री ऊपर चला जाएगा और जीरो नीचे आ जाएगा, वैसे ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एल बाई वो लैम्डा बाई जी एल स्क्वायर अपॉन टू इंटू थ्री का स्क्वायर और जीरो, माइनस जीरो इज जीरो, और हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं लैम्डा इंटू एल की जगह क्या पुट कर सकते हैं एम, तो यहाँ पे अगर आप एम पुट कर दें तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का एम जी एल अपॉन एटी, तो दिस इज अ टोटल वर्क डन पूरी चैन को ऊपर खींचने के लिए एल बाई थ्री पार्ट चैन को। अगर ये पूरी चैन होती, पूरी चैन नीचे लटकी हुई होती और हमें खींचना होता तो हम सीधा सीधा बस सिंपली इंटीग्रेशन करना होता हमें कहाँ से एल बाई थ्री ना लेके एल से जीरो तक, और यही लेंथ अगर एल होती और हमें बस हाफ पार्ट ऊपर खींचना होता, दिस इज एल बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो एल बाई टू, अगर ये एल बाई टू हाफ पार्ट पूरा का पूरा ऊपर खींचना होता तो हम क्या करते एल बाई टू से जीरो तक करते, और अगर पूरी चैन नीचे होती और हमें बस हाफ पार्ट ऊपर खींचना होता तो हम क्या करते एल था पूरा
और कहां तक लेके जाते हैं, एल बाई टू तक लेके जाते हैं। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। और सिंपली हमने क्या पहले क्या किया है, लैम्डा निकाला है। लैम्डा क्या होता है, एम बाई एल होता है। स्मॉल एलिमेंट की बात करी क्योंकि धीरे धीरे वेरी करेगा मास डिस्टेंस के साथ साथ, लीनियर मास डेंसिटी इसीलिए लिया है। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव कौन सी नहीं है, कूलॉम कंजर्वेटिव है तो ऑप्शन एक रॉन्ग, ग्रेविटेशनल भी कंजर्वेटिव है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग ये भी कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शनल ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट, टू स्प्रिंग हैव देयर फोर्स कॉन्स्टेंट इन द रेशियो 9/16 व्हेन द सेम वर्क इज डन ऑन देम द रेशियो ऑफ द इलोंगेशन इज। तो यहां पे हमने पूछा हुआ क्या है, x1/x2 का रेशियो निकालना है हमें। ओके ये इलोंगेशन होते हैं और दिया हुआ में क्या है, k1/k2 मतलब ये जो फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का उसका रेशियो में दिया हुआ है 9/16। वर्क सेम है तो वर्क का फॉर्मूला w इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। वर्क इज सेम फॉर बोथ स्प्रिंग, तो w1 इक्वल टू क्या हो जाएगा w2, w1 पॉइंट w2 हो जाएगा। तो हम रख देते हैं वैल्यू, हाफ k1 x1 square इक्वल टू हाफ k2 x2 square, हाफ से हाफ कैंसिल, k1 upon k2 इक्वल टू x1 upon x2 का होल ऑफ स्क्वायर। हमें निकालना है x1 upon x2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट k1 upon k2। k1 upon k2 की वैल्यू है 9/16, अंडर रूट 9/16 इज 3/4, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक का थोड़ा। तो x2 upon x1 आया हमारा 3/4, हमें चाहिए x1/x2 दैट विल बी 4/3, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके देखिए PCS प्री में भी आया हुआ है और PGT 2013 में भी आया है। आप पूरे लेक्चर्स को मेरे फॉलो करते रहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा मटेरियल यहीं मिलेगा, आप बस गो थ्रू होते रहिए, सारे क्वेश्चंस आपको PGT में मिलेंगे, इनमें से ही क्वेश्चंस आने वाला है PGT में। तो प्लीज़ बने रहिए और देखते रहिए, सारी वीडियोस मैं डालूंगा, तो प्लीज़ कंटिन्यू विद मी। ओके नेक्स्ट, अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन पॉइंट आर इज यू आर इफ एफ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स देन। हमें ये चेक करना है जो इसने दिए हुए हैं ऑप्शंस कौन से करेक्ट हैं। तो कोई फोर्स है किसी पार्टिकल पे एक्ट किया जा रहा है और उसका पोटेंशियल है यू, तो हमारे पास ये है ऑप्शन बी डेल क्रॉस एफ। जब कभी भी फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होगा तो उसका कर्ल हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और एक और होता है कि अगर एफ जो है फोर्स जो है वो इररोटेशनल है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जब फोर्स इररोटेशनल है तो क्या कंडीशन होती है, तब भी क्या होता है कर्ल ऑफ एफ इज जीरो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू, कल फिर से मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।